नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह गोचर या राशि परिवर्तन करता है तो उसका सीधा प्रभाव मेष से लेकर मीन पर पड़ता है। कुछ राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन शुभ है तो कुछ के लिए अशुभ। आइए जानते हैं, सूर्य को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। सूर्य गोचर सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर सूर्यदेव की विशेष कृपा है। तो आइए जानते हैं, वृषभ राशि। आपकी राशि के सूर्य देव 11 भाव में गोचर हैं, जिसे इनकम का भाव कहते हैं। इस दौरान आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है, आय के नए साधन बनेंगे, व्यापार में अचानक धन लाभ की योग है। इस समय किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अच्छा है और इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। सूर्य गोचर के प्रभाव से आपके नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य उनकी तीसरे भाव यानी प्रयास और शक्ति भाव के स्वामी हैं। साथ ही सूर्य का गोचर मिथुन राशि के 10वें यानी करियर भाव में होगा। इस दौरान आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे। कार्यशैली में सुधार आ सकता है। बॉस आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे यानी धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर आपकी राशि के 9वें यानी भाव भाग में रहेगा। इस अवधि में आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में निवेश से भी लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन लाभकारी है। सूर्यदेव आपकी राशि के 9वें भाव यानी भाग्य और कर्म स्थान पर है। वही सूर्य का गोचर आपकी राशि के 4थे यानी माता सुख और संपत्ति भाव में होगा। इस दौरान आपको व्यापार में विशेष धन लाभ के योग है। माता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है।